हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एपी के बारे में जान चुके हैं काफ़ी चीज़ें। अब हम लोग बात करेंगे एंथ टर्म ऑफ एन एपी। सबसे पहले तो एंथ टर्म होता क्या है, हम लोग पहले बात कर चुके हैं, फिर भी जिनको डाउट है उनके लिए मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। जैसे कोई एपी लेते हैं हम लोग, 1, 2, 3, 4, इस तरह से हमारा एपी है। 10 आएगा, फिर उसके बाद 20 आएगा, इस तरह से आगे चलता जाएगा। तो यह हमारा फर्स्ट टर्म है ना। यह सेकंड है, थर्ड टर्म 3 है, फोर्थ टर्म 4 है। तो यदि बीच में कहीं कोई नंबर आता है, मान लो 20 के बाद कोई एन आता है, तो ये कौन सा टर्म होगा? ये एंथ टर्म होगा। तो nth टर्म की यदि बात करें, तो जनरल किसी भी एक टर्म की बात कर रहे हैं हम लोग। ये nth टर्म मतलब फर्स्ट टर्म भी हो सकता है, सेकेंड भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है ना। जैसे जैसे n की वैल्यू बदलती जाएगी, वैसे वैसे वो टर्म बदलता जाएगा। तो nth टर्म की बात करते हैं तो मतलब कोई एक जनरल फॉर्मूला जिससे हम किसी भी टर्म को निकाल सकें। एक जनरल टर्म अगर हमें पता चल गया कि एंथ टर्म यह होता है, तो एन की वैल्यू जो रखेंगे वो टर्म हमें मिल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं जो स्क्रीन पे दिया है। सेक्शन 5.1 में ही एग्जाम्पल डिस्कस किया हुआ था, जो हमने कवर किया था। क्या था एग्जाम्पल? रीना हैज बीन ऑफर्ड ए जॉब विथ स्टार्टिंग मंथली सैलरी ऑफ ₹8,000 एंड एन एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ ₹500। What will be her salary in the fifth year? पहले पहले साल की सैलरी तो ₹8,000 है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ ही है। नेक्स्ट ईयर क्या होगा? 8,000 प्लस 500 होगा, 8,500 हो जाएगा। उसके नेक्स्ट ईयर क्या होने वाला है? 8,500 प्लस 500, जो कि 9,000 हो जाएगा। उसके नेक्स्ट ईयर देखो, ये सेकेंड ईयर आ गया, फर्स्ट ईयर तो दिया था। ये सेकेंड है, यह थर्ड है, फोर्थ की बात करेंगे। ये देखो 5,800 में ऐड करना है, अब 9,000 में ऐड करना है हमें। 9,000 प्लस 500 इज इक्वल टू 9,500, फोर्थ ईयर का आ गया। और फिफ्थ ईयर की बात करें, 9,500 प्लस 500 इज इक्वल टू 10,000। यही तो फिफ्थ ईयर की सैलरी है ना। तो इसमें हम लोग कैसे निकाले, प्रोसेस को फिर से एक बार ध्यान दो। स्टार्टिंग तो हमारा 8,000 था, 8,000 से स्टार्ट करना है, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था। पहली बार ऐड करने के लिए हमने 500 को ऐड कर दिया है ना। फर्स्ट टाइम एक साल बाद की सैलरी के लिए 500 को ऐड किया, मतलब सेकेंड ईयर के लिए। थर्ड ईयर में जब हम लोग आए, तो ये 8,000 प्लस 500 यहाँ ऐड किया था, 500 यहाँ फिर से ऐड कर दिया 8,000 में, मतलब 2 × 500 हो गया। थर्ड ईयर की बात करो, 8,000 प्लस एक 500 यहाँ ऐड हुआ, एक यहाँ ऐड हुआ, और एक यहाँ ऐड करने वाले, 3 × 500। मैं हर बार 8,000 से स्टार्ट कर रहा हूँ। फिर चौथे साल की बात करेंगे, 8,000, क्योंकि क्वेश्चन में हमें सिर्फ 8,000 दिया है। ये नंबर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन में सिर्फ 8,000 दिया, इसलिए हम लोग हर बार 8,000 से स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो 8,000 प्लस इसमें 500 कितनी बार दिया है, जोड़ा गया है, एक बार यहाँ, दूसरी बार यहाँ, तीसरी बार यहाँ, चौथी बार यहाँ, 4 × 500 निकल रहा है। देखो, सेकेंड ईयर के लिए 500 को एक बार ऐड करना पड़ा, थर्ड ईयर के लिए दो बार ऐड करना है, फोर्थ ईयर के लिए तीन बार, फिफ्थ ईयर के लिए चार बार। देख रहे हो, जिस साल का निकालना है 500 को, उससे एक कम बार ऐड करना है। तो यहाँ
मैं हर बार फर्स्ट ईयर 8,000 से स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, तो इसी प्रोसेस को अप्लाई करके यदि 10th ईयर की सैलरी निकालनी हो तो एक ही बार कर सकते हैं ना, 8,000 प्लस 10 माइनस 1, हर बार 1 माइनस 1 कर रहे थे हम लोग, है ना। यहाँ पे 2 माइनस 1 था, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2, 4 माइनस 1 3, 5 माइनस 1 4। 10th ईयर के लिए निकालना है तो 10 माइनस 1 इंटू 500, 8,000 प्लस 4,500 इज इक्वल टू 12,500। सिंपल हो रहा है, एक ही लाइन में आंसर आ रहा है। इस पहले वाले मेथड में हर एक साल का एक एक करके निकालना पड़ रहा था, बहुत लंबा प्रोसेस हो जा रहा था। लेकिन अब जो दूसरा मेथड हमने देखा, फॉर्मूला एक मिल गया, एक बार में आंसर आ जा रहा है। जैसे अगर 25वें साल में निकालना हो तो 25th ईयर, ये भी उसी तरीके से एक ही बार में निकल सकता है ना, 8,000 प्लस 25 माइनस 1 इंटू 500, 8,000 प्लस 24 इंटू 500, 12,000 हो जाएगा, इज इक्वल टू 20,000। किसी भी साल का निकाल सकते हैं। मान लो कि वो 1,000 साल तक जीती है तो 1,000वें साल की सैलरी भी निकल जाएगी। तो इससे यदि फॉर्मूला हम लोग जनरलाइज करना चाहें तो 8,000 क्या था हमारा, फर्स्ट टर्म था, है ना। दूसरा 25 कहाँ से आया है, 25 एंथ टर्म है, एंथ ईयर का निकाल रहा है, मतलब एंथ टर्म निकाल रहे हैं, तो ये वही एन है 25। माइनस वन तो हर बार आ ही रहा है, और ये 500 क्या था, 500 हमारे एपी का कॉमन डिफरेंस था। तो ये ए एन का फॉर्मूला निकल के आ गया, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ऐसे भी देख सकते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है। दूसरे टर्म में जाना है तो एक बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करना है, तीसरे टर्म में जाना है तो 2 बार ऐड करना है, 10वें टर्म में जाना है तो 9 बार ऐड करना है ना। चूंकि पहला टर्म तो ये है ही, इसको 0th टर्म नहीं बोलते, इसको पहला टर्म बोलते हैं। तो आगे 1,000वें टर्म में जाना है तो 999 बार डी को ऐड करना। तो इस फॉर्मूला से हम लोग एक एक करके अगला टर्म नहीं निकालना है, हम लोग जनरल कोई भी टर्म निकाल सकते हैं एक ही बार में, चाहे लाखवां टर्म भी निकल सकता है, निकल सकता है ना। जैसे इस फॉर्मूला को अगर नेचुरल नंबर्स पे अप्लाई करते हैं, फर्स्ट नेचुरल नंबर 1, 2, 3 इस तरह से चलता है। थोड़ी देर के लिए मान लो हम लोग नेचुरल नंबर नहीं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के रूप से इसको देखना चाहते हैं। तो हमारा ए क्या है, फर्स्ट टर्म 1 है, डी क्या है, डी भी 1 है। तो ए अगर 100 निकालना हो, 100th टर्म को यदि निकालना हो तो क्या होगा, 1 प्लस 99 इंटू 1, है ना। 100 माइनस 1 करेंगे तो 99 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 प्लस 99 इज इक्वल टू 100। ऐसे भी पता है 100 है नेचुरल नंबर, 100 ही होगा, 1,000 नेचुरल नंबर, 1,000 ही होगा। यहाँ से अगर ए 1,000 भी निकालेंगे तो भी वहीं आ जाएगा, 1 प्लस 1,000 माइनस 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1,000 आ जाएगा। इस एपी का भी कोई भी टर्म, जनरल टर्म निकल सकता है इस फॉर्मूले से, चाहे कोई भी एपी हो, कोई भी एपी हो। फर्स्ट टर्म, हमें दो ही चीज चाहिए, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, इतने ही इंफॉर्मेशन से हम लोग पूरा एपी लिख सकते हैं। और पूरा एपी लिखने के बाद कौन सा टर्म चाहिए वो भी बता सकते हैं। तो फॉर्मूले ने क्या किया, बिना फॉर्मूले के भी तो ये काम हो जाता, कोई भी टर्म बता देते। फॉर्मूले से हुआ ये कि पूरा का पूरा एपी लिखना नहीं पड़ा, काम जल्दी हो गया, जहां जाना है सीधा वहीं पहुंच गए, है ना। जहां जाना है सीधा वहीं पहुंच गए। जैसे इसकी 25वें साल की सैलरी बहुत आराम से मिल गई, आगे एग्जांपल्स देखते हैं उसमें बहुत सारे मिलेंगे। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या है हमारा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला एकदम भूलना नहीं है, हर हाल में इसको याद रखना है। तो ए एन को जनरल टर्म भी बोलते हैं, कोई भी टर्म हो सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एपी में दिया हुआ है कि यहां से यहां तक जाना है, लास्ट टर्म भी हो जाता है। जैसे हमने एग्जांपल्स जो देखे थे, एक बार फिर से देखो एग्जांपल्स को।
कहाँ है? हाँ, ये याद आ रहा है, हमने देखा था हाइट्स इन सेंटीमीटर ऑफ सम स्टूडेंट्स इन स्कूल स्टैंडिंग इन क्यू इन द मॉर्निंग असेंबली आर 147, 148, इस तरह से 157। तो हमारा लास्ट टर्म है 157, इसके बाद नहीं है, कुछ नहीं है, इस एपी में 157 तक ही नंबर्स हैं। से दूसरा था द मिनिमम टेम्परेचर्स इन डिग्री सेल्सियस रिकॉर्डेड फॉर ए वीक इन द मंथ ऑफ जनवरी इन ए सिटी अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर आर -3.1, -3.0, -2.9, इस तरह से -2.5 तक आए थे हम लोग। लास्ट टर्म -2.5 लास्ट टर्म है, वही लास्ट टर्म की बात कर रहे हैं हम लोग। यदि एपी में कुछ फिक्स्ड नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो लास्ट टर्म को एल भी बोल देते हैं कई बार। जैसे अगर -2, -3, -4, इस तरह का एक एपी है जो -12 तक जाता है, तो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, इस तरह से तो है ही, इसका कोई नंबर भी निकलेगा। इसको लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं, एल है, लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म है तो इसको एल लिख देते हैं। पता चल गया कि लास्ट है, इसके आगे नहीं जाना है। यदि इसको 10th टर्म बोलते, यदि इसको 10th टर्म बोल, 9th टर्म होगा ना, 9th टर्म यदि इसको बोल देते तब तो पता नहीं चलता इसके आगे जाना है या नहीं जाना है, एपी कहाँ तक जा रहा है ये क्लियर नहीं होता। लेकिन इसका नाम ही रख दिया लास्ट टर्म तो पता है कि हमें यहीं तक जाना है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके ऊपर। फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी, ये एपी दिया है, एग्जांपल 3 की बात कर रहे हैं हम लोग, 2, 7, 12। इसमें ए कितना है, 2 दिया ही है, कॉमन डिफरेंस क्या है, 7 - 2 इज इक्वल टू 5। हमें चाहिए 10th टर्म, ए 10 क्या होगा, ए प्लस 10 - 1, 9 × d। एक ही बार लिखता हूँ ना, क्या करूँगा इतना लंबा करके, 2 + n - 10 - 1, 9 × 5, 45 + 2, 47। एक ही बार में 47 मिल रहा है ना, कितना आसान हो गया। यदि लंबे प्रोसेस से जाते तब भी हो जाता, और 12 के बाद 17 आता, फिर 22 आता, फिर 27 आता, फिर 32 आता, फिर 37 आता, फिर 42 आता, और फिर 47 आता। फिर काउंट करते 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10th टर्म 47। ऐसा भी कर सकते थे और ये एक लाइन में हो गया। यहीं अगर 100वां टर्म निकालना रहता तो इसी फॉर्मूले से निकलता, फिर इस फॉर्मूले में तो बहुत दिक्कत हो जाती। एग्जाम्पल नंबर 4 देखो, विच टर्म ऑफ द एपी इज -81। अब देखो उल्टा क्वेश्चन आ गया, एपी दिया हुआ है हमें, क्या है, 21, 18, 15, इस तरह से एपी है हमारा। एक 21 है दिख रहा है, डी कितना है, पहले दो टर्म को माइनस कर दो, 18 - 21 इज इक्वल टू -3। देखो साइन का ध्यान रखना है, -3 आ रहा है, प्लस नहीं मानना है। अब हमें दिया गया है विच टर्म इज -81, मतलब कोई ए एन है जो कि -81 है, एन की वैल्यू निकालनी है हमें। कैसे निकल सकता है, ए एन का फॉर्मूला क्या था, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब डाल दो, एक इक्वेशन बनेगा, -81 इज इक्वल टू 21 प्लस एन माइनस वन इंटू -3, यानी कि -3 इंटू एन माइनस वन इज इक्वल टू 81 माइनस 81 माइनस 21 कितना हो जाएगा, -102। अब ये दोनों माइनस माइनस कैंसिल कर दो, फिर 3 से कोई इधर ले आओ, 9n - 1 इज इक्वल टू 34, यानी कि n इज इक्वल टू 35। 35th टर्म इसका -81 होगा, मिल रहा है, फॉर्मूले से मिल गया, फॉर्मूला नहीं रहता तो बहुत लंबा प्रोसेस था। तो ये फॉर्मूला हमारा जो है ना, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एकदम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भूल नहीं सकते हो।
सेकेंड पार्ट इसी क्वेश्चन का था, इज एनी टर्म जीरो? जीरो हो सकता है क्या कोई टर्म? सेम फॉर्मूले से ये भी पता चल जाएगा, हम ए एन इज इक्वल टू जीरो ये हो सकता है या नहीं चेक करना है। तो जीरो इज इक्वल टू क्या होगा, ए ए की वैल्यू है 21 प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू है -3। इस इक्वेशन में एन की वैल्यू निकालनी, अगर एन की वैल्यू समझ लो, अब एन की वैल्यू इंटीजर आएगी तभी तो वो एपी में आएगा वो नंबर, अगर इंटीजर नहीं आएगी, अगर मान लो 2.5 आ जाती है यहाँ पे वैल्यू, तब वो इस सीरीज में नहीं आ सकता है क्योंकि इसमें फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म आएगा सीरीज में ना, 2.5 टर्म तो आ नहीं सकता है, यही पूछा गया यार। तो सॉल्व करो एन के लिए क्या आएगा, एन माइनस वन इज इक्वल टू -21 डिवाइड बाई -3 इज इक्वल टू 7, एन इज इक्वल टू 8, इसका आठवां टर्म जीरो होगा। सिंपल था। एक और एग्जांपल देखते हैं। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवेंथ टर्म इज 9। देखो अब कुछ और आ गया है, थर्ड टर्म इज 5 सेवेंथ टर्म इज 9, एपी निकालना है। एपी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, ए और डी चाहिए, दो चीजें चाहिए, हमें दोनों ही नहीं दी गई है। तो देखो फॉर्मूला पुट करो, ए थ्री हमें 5 दिया गया है, ए थ्री इज इक्वल टू 5, इसका मतलब क्या है, 5 इज इक्वल टू ए प्लस 4d। एक इक्वेशन मिल रहा है यहां से, और एक और इक्वेशन मिल रहा है, ए 7 इज इक्वल टू 9 हमें दिया हुआ है, यहां से एक इक्वेशन मिल रहा है 9 इज इक्वल टू ए प्लस 6d। इक्वेशन नंबर 2, सेम फॉर्मूला है हमारा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एक बार ए थ्री निकाला एक बार ए सेवन निकाला, दो इक्वेशंस बन गया। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है ए और डी, सॉल्व कर देना है। तो यहाँ देखो माइनस करेंगे तो हमारा ए कैसे कैंसिल हो जाता है ऐसे ही, तो यही माइनस कर दो, ए कैंसिल हो गया, माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 2d, दिस इम्प्लाइज डी इज इक्वल टू 2, डी इज इक्वल टू 2 वैल्यू को 1 में डालो, इक्वेशन 1 में डाल दो, 5 इज इक्वल टू ए प्लस 4d यहाँ पे, ये 4d कहाँ से आया है, थर्ड टर्म 5 है, थर्ड टर्म 5 है तो a प्लस 2d 5 होगा ना, यहां से इरेज कर दिया, a प्लस 2d, n माइनस 1, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 6, अब माइनस करना है, माइनस 4 इज इक्वल टू ए और ए तो कैंसिल हो गया है, माइनस डी, यहां से d की वैल्यू आ गई 1, इक्वेशन 1 में इस वैल्यू को डाल दो, 5 इज इक्वल टू ए प्लस 2 इंटू 1, यानी कि a इज इक्वल टू 3, तो ए पी हमारा क्या हो गया, 3 4 5, यह ए पी है, ठीक है। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 6 देखें, मिटा दूं मैं इसको, चेक वेदर 201 इज ए टर्म आफ्टर लिस्ट, इस लिस्ट में 201 आता है क्या, कैसे चेक करेंगे, सेम फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू 301 कर देना है, लिस्ट में से ए और डी निकाल दो, पहले ए इज इक्वल टू 5, डी इज इक्वल टू 11 माइनस 5 इज इक्वल टू 6, अब डालो यहाँ पे 301 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू 6, ए की वैल्यू 5 है, सॉरी ए को डाल देना है यहाँ पे, यानी कि n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 6 इज इक्वल टू 295,
296 आएगा ना, 296 यानी कि n माइनस वन इज इक्वल टू 6 4 56 56 क्या हुआ, फिर से कुछ गलत हो रहा है क्या? फोर्टी नाइन पॉइंट कुछ आ जाएगा ना, 49 पॉइंट कुछ आ जाएगा, यानी कि n की वैल्यू हो जाएगी 50 पॉइंट कुछ नंबर आने वाला है यहाँ पे, तो निकाल दो क्या 49 पॉइंट क्या आएगा, 54 टू था 3 बचेगा, 50.3 50.3, तो ये टर्म कैसे आएगा इस सीरीज में, नहीं आ सकता है ना। सो 301 कैन नॉट बी ए नंबर, ए एन नहीं हो सकता है 301, है ना, 301 कैन नॉट कम इन दिस सीरीज, इज नॉट दैट टर्म। इन द एपी ठीक है, ओके अगले वीडियो में और एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे।